फिर स्वागत है आपका अर्थ प्रकाश टीवी में। मैं हूं आपके साथ स्माइल चौधरी और वक्त हो चला है आज की कुछ अहम खबरों का। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 38,413 नए मामले आए सामने, जो कि 125 दिन में आए हुए सबसे कम मामले हैं। इसके साथ साथ एक्टिव केसेस भी 4 लाख से हुए कम। धर्म से पहले जीवन, बकरी छूट पर ऐसी की रोक, कावड़ यात्रा पर सख्ती की दिलाई याद। संसद में फिर एक बार बड़ा हंगामा, पीएम मोदी बोले कांग्रेस को खुद से ज्यादा हमारी चिंता। सिटी बसेस में अब स्मार्ट कार्ड से होगा भुगतान, पहले 10,000 कार्ड फ्री। चंडीगढ़ में देर रात ग्रेट बियर रेस्टोरेंट में हो रही थी पार्टी, मालिक मैनेजर और कर्मचारी गिरफ्तार। पंजाब कांग्रेस चीफ बन लुधियाना पहुंचे सिद्धू का विरोध, प्रदर्शनकारियों ने दिखाए काले झंडे, करना चाहते थे कुछ सवाल। पंजाब में भारत पाकिस्तान सीमा पर हथियार बरामद, आईएएस की साजिश नाकाम, बीएसएफ का सर्च ऑपरेशन जारी। सिरसा में किसान नेता आमरण अनशन पर, तीसरे दिन भी जारी रहा आंदोलन, मेडिकल टीम ने आंदोलन पर बैठे किसानों का लिया जायजा। हरियाणा में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, ट्रेनों के ट्रैक धंसने से ट्रेन यातायात बंद। सीएम जयराम ने आनीवी क्षेत्र को दी करोड़ों की सौगात, 75वें वन महोत्सव का किया शुभारंभ। मनाली चंडीगढ़ रोड ठप, बसों में बैठे यात्रियों को घंटों तक रहना पड़ा भूखा प्यासा। दिल्ली में इस साल में एक दिन में आए सबसे कम मामले, 36 लोगों में संक्रमण होने की पुष्टि, 3 लोगों की मौत। आज के लिए बस इतना ही, ऐसी कुछ अहम खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।